शिवपुरी आदिम जाति कल्याण विभाग की देखरेख में चलने वाले छात्रावास में सुविधाएं कागजों में सिमटती नजर आ रही है। मामला नरवर सीएमराई स्कूल के पास संचालित सीनियर ब्लॉक छात्रावास का है, जो कि आमोलप्टा के नाम से संचालित है, जहां छात्रावास में बच्चे सुविधाओं से वंचित हैं। इस बालक छात्रावास में 34 बच्चे हैं, जिन्हें खाना भी ढंग का नसीब नहीं होता। बच्चों का कहना है कि खाना तो मिलता है, लेकिन सब्जी में पानी ही पानी होता है। यहाँ पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, तहसील में पानी पीने जाते हैं, शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, कड़कड़ाती ठंड में बच्चे ठंडे पानी में नहाने को मजबूर है। अगर शासन से मिलने वाली योजनाओं की बात की जाए तो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़ी लापरवाही बच्चों के साथ बरती जा रही है। इतना ही नहीं, छात्रावास में खाना बनाने वाले कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन के लिए चक्कर भी काट रहे हैं। छात्रावास के अधीक्षक से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने वरिष्ठ कार्यालय से राशि न मिलने की बात कही। यहाँ पर प्लग व्लग सही नहीं है, गद्दा मद्दा खराब है, सब खुजली हो रही है, पानी वानी का सब सिस्टम खराब है, कुछ व्यवस्था नहीं है। हम तहसील में जाते हैं पीने के लिए, हाँ वो कहते हैं ऊपर से ही नहीं आ रहा था तुम्हारे लिए, और जो उधर से बजट नहीं आया उनका ये बोलते हैं। टॉयलेट राशि निकली 7 महीने की हमारी। सर जी खाना खाना सही नहीं बनवा रहे, सब्जी पतली बनवा रहे हैं सर, 1.5 किलो आलू है तो पूरे 30 बच्चों को खिला रहे हैं, अपना सपा पतली सब्जी खिलाते हैं, 50 ग्राम आलू नाश्ता है, 25 ग्राम नाश्ता भी नहीं दे रहे। मतलब नाश्ते में क्या दे रहे हैं? 25 ग्राम नाश्ता भी नहीं दे रहे, 50 ग्राम आलू हमारा नाश्ता। अच्छा, और सब्जी में ज्यादातर क्या क्या देते हैं तुम्हें? पानी 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 सब में जाना, सिर्फ 2-3 आलू रहेंगे थाली में, पानी जाएगा सब में। खाना बनाने का काम करता हूँ, खाना तो फुल बनता है लेकिन सब्जी में कमी हो रही है सर। मतलब क्या कमी हो रही है? हम लाएंगे तो हम बनाएंगे, तो सामान नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? सामान कौन नहीं ला रहा है? हमारे भी सब आते हैं, और हमारी समस्या बहुत सारी पहली है सर, हमारी वेतन नहीं मिलती, 4-4, 5-5 महीने हम 10-12 साल से लगे हुए हैं इसमें, हमारी कोई सुनवाई नहीं। नवंबर माह से हमारे लिए कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, नवंबर से नहीं आई सर। हाँ सर, ये ऐसा है सर, जो पैसा मिलता है टॉयलेट के लिए आता है, वो जो बच्चों खाने का पैसा होता है उसी में माइनस करके टॉयलेट के लिए दिया जाता है। सभी अवगत कराया मैंने, और सर मेन चीज ये है कि खाना अच्छा बनता है, और बच्चे तो जी बात बोलते रहते हैं अभी।